हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसन अलर्ट। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो मैं आपको आई फ्लू नामक बीमारी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। आई फ्लू नामक बीमारी जो कि तेज़ी से बढ़ रही है और अपना एक भयंकर रूप धारण कर रही है। आई फ्लू नामक बीमारी अधिकतर स्कूली बच्चों को हो रही है, तो आप अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और स्वस्थ रहें। आई फ्लू नामक बीमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जैसा ये आप सबको सुनने को मिल ही रहा होगा। आई फ्लू नामक बीमारी से जो लक्षण होते हैं उससे आँखों में रेडनेस, आँखें सूजने लगती हैं, जिससे हमें कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और आई फ्लू नामक बीमारी से बचने के लिए आप आँखों पर बार बार हाथ ना लगाएं, ना ही गंदे हाथों से आप अपनी आँखों को छुएं, ना ही अपने चेहरे पर हाथ लगाएं। आप समय समय पर हाथ धोएं और अपने आँखों को भी धोते रहें, जिससे आप इस आई फ्लू नामक बीमारी से बच सकते हैं। जब भी आपको कोई ज़रूरत या आवश्यकता पड़ती है तो आप अपने आँखों में काला चश्मा पहनकर ही बाहर निकलिए, जिससे आप अपने आप को सुरक्षित रखते हैं और अपने फैमिली को भी। तो आई फ्लू नामक बीमारी जो कि तेज़ी से बढ़ रही है, इससे आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए। आई फ्लू नामक बीमारी से बचने के लिए मेडिकलों में एक ड्रॉप अवेलेबल है, जो आप जैसे ही आप आई फ्लू नामक बीमारी के आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे ही आपकी आंखों में रेडनेस या इचिंग होती है, आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को बताइएगा और उनसे जो भी वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, आप उस ड्रॉप अपने आई ड्रॉप अपने आँखों में डालिए और इस बीमारी से बचिएगा, जो कि बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो ये कुछ जानकारियाँ थीं आई फ्लू से बचने के लिए। आप अपने आँखों को स्वस्थ और आप अपने आप को स्वस्थ, अपने परिवार को स्वस्थ रखिएगा। तो ये कुछ जानकारियाँ थीं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा।